हाई एवरी वन दिस इज रुद्र वर्मा आई एम अ थर्ड ईयर एम बी बी एस स्टूडेंट एट एम्स नागपुर एंड इन दिस वीडियो आईलिंग अबाउट हाउ आई स्कोर थ्री फिफ्टी आउट ऑफ थ्री सिक्सटी इन माई नीट ट्वेंटी नाइनटीन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो हाउ आई स्कोर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन माई आई एस सी बायलॉजी तो मैं ट्वेंटी नाइनटीन बैच में आई एस सी एग्जामिनेशन दिया था फेबररी में एंड नीट इन जून बट द मेन डिफरेंस वॉज कि आई एस सी एग्जामिनेशन में नूतन फॉलो होती है और नीट में एन फॉलो होती है सो so, अब मेन थिंग इज तुम्हारे लिए देखो मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है हम सभी के लिए प्रायोरिटी क्या होती है नीट प्रायोरिटी होता है सो द थिंग इज यू हैव टू फॉलो द मेन थिंग दैट इज नीट अभी नीट में क्या होता है एनसीआरटी अब द थिंग इज तुमको एनसीआरटी के अलावा और कोई बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू अगर तुम उस कैटेगरी के इंसान हो जिसको 70 -20 out of 720 चाहिए या फिर जिसको 360 out of 360 स्कोर करना है एंड हु इज एमिंग ए आई आर तो देखो तुमको एनसीआर टी के अलावा बुक पढ़नी पड़ेंगी फॉर uh, 360 इन नीट बायोलॉजी यू आर सपोज टू रीड बुक्स अदर देन एनसीआर

मिनिमम ओके सो दो से तीन या चार क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं नीट में ठीक है तो अभी इन दो से चार क्वेश्चन के लिए तुमको एनसीआरटी के बाहर क्या पढ़ना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग थिंग बट द इज नंबर की जो NCRT से तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन के लिए तुमको एनसीआरटी ऊपर से नहीं पढ़नी है उसके लिए तुमको एनसीआरटी कैसे पढ़नी है बाय हार्ट तुमको एक एक वर्ड को पढ़ना है और अगर एनसीआरटी में गलत भी दिया है रिपीट अगर एनसीआरटी में गलत भी दिया है तो भी उसको पढ़ क्योंकि मेरे को याद है 2019 में एक क्वेश्चन आया था बॉटनी का जिसका आंसर एनसीआरटी में गलत था बट एक्चुअल में उसका आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी ही माना गया था सो द थिंग इज तुमको एनसीआरटी बाय हार्ट एंड बाय ट्रूथ एंड बाय होल सोल फॉलो करनी है अगर तुमको 340 मार्क्स करने ही है ठीक है उसके अलावा जो बच्चे 20 मार्क्स हैं उसके लिए तुमको क्या करना है मैक्स टू मैक्स तुम क्या करोगे तुम अपने मॉड्यूल्स पढ़ लो दैट इज मोर देनाफ एंड पहले पढ़ के रखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट के तीन या चार महीनों में तुम नई चीज रीडिंग मारना चालू नहीं करोगे ठीक है और अगर मॉड्यूल पढ़े हुए तुमने must, तो तुमने किया होगा या फिर जो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं तुमने उनको फॉलो कर रखा होगा या टिक मार्क कर रखा होगा तो उनको तुमको एक बार देखना है एंड रिमेनिंग चीजें तुमको एनसीआर से ही फॉलो करनी है ठीक है ये हो गया तुम्हारा नीट के लिए रिमेनिंग फॉर आई एस सी हंड्रेड एंड फॉर देट आई वुड लाइक टू टे की अभी आई में ना देखो एनसीआरटी नहीं आती है एनसीआरटी मतलब केवल एन का कुछ कुछ पोर्शन होता है जो कवर्ड होता है बट दैट टू एनसीआरटी का कुछ लेवल नहीं होता है नूतन के आगे एंड ट्वेल्थ की आईएससी एग्जामिनेशन के सामने क्योंकि आईएससी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पढ़ा रहा होता है एंड सीबीएससी के एनसीआरटी से बहुत कम लेवल पे तो तुमको क्या करना है अगर तुम आई वाले हो अगर इफ यू आर अ सी इफ यू आर अ सीबीएस स्टूडेंट यू कैन स्टॉप दिस वीडियो राइट हेयर ओनली बट अगर तुम आई एस सी वाले हो तो तुमको क्या करना है तुमको जो एक स्टार्टिंग में सिलेबस दिया होता है ना बायोलॉजी की नूतन की स्टार्टिंग में एक सिलेबस दिया होता है या फिर आईएससी की वेबसाइट पे जाना एंड उसमें बायोलॉजी का सिलेबस देखना

स्कोरिंग क्राइटेरिया होता है आईएससी का दैट इज बेस्ड ऑन दोज वर्ड्स प्रेजेंट इन योर आंसर और नॉट अगर तुम वो वर्ड्स मेंशन करके आओगे बोल्ड में या फिर इटैलिक्स में तो तुमको मार्क्स मिलेंगे एंड दैट इज द रीजन कि मेरे को अभी भी याद है मैं अपने बायोलॉजी के आई पेपर में लास्ट क्वेश्चन कार्बन साइकिल एंड फोस्फोरस साइकिल दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था एंड दोनों साइकिल्स के क्वेश्चन एंड दोनों एक्स्ट्रा वाले पार्ट में आते हैं नूतन के स्टिल आई गॉट फाइव आउट ऑफ फाइव इन बोथ द क्वेश्चन बिकॉज उसका जो मेन क्राइटेरिया नूतन में है वो इतना डायरेक्ट है कि तुमको ये छह चीजें लिखनी है एंड इन छह चीजों में से अगर पांच प्रेजेंट है तो यू विल गेट फाइव आउट ऑफ फाइव वन कैन स्टॉप दैट एंड इसके अलावा अभी का, अभी उसमें मेरे को याद है प्लांट्स का एक पोर्शन था काउडंग का एक पोर्शन था अगर तुमने वो चीज लिखी है तो तुमको फाइव मिलेंगे अब इसके अलावा तुम एक्चुअल में फोटो और ओशन और कुछ भी घुसा दोगे तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे ठीक है सो दिस इज माई स्ट्रेटेजी टू हाउ आई कोड हंड्रेड इन आई एस सी एंड ऑल्सो थ्री फिफ्टी इन नीट So, with that, all the best and do give your best. Uh, do subscribe my channel and do comment your queries in the comment box. Thank you.